बातें नहीं हुई। If alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial such that alpha plus beta, such that alpha plus beta is equal to 24 and alpha minus beta is equal to 8 and alpha minus beta is equal to 8, comma, find a quadratic polynomial a quadratic polynomial having alpha and beta as its zeros, having alpha and beta as its zeros, as its zeros. ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या है कि if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial such that alpha plus beta is equal to 24 and alpha minus beta is equal to 8, find a quadratic polynomial having alpha and beta as its zeros. मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बिना बोले, बाकी जिन बच्चों को लगता है कि हाँ पॉलिनोमियल आता है वो खुद से ट्राई करें, पर देखें ना यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं करा, मैंने ऐड ही कर दिया, क्योंकि जब भी कभी दो नंबर ऐसे होते हैं कि इनका साइन प्लस है और इनका साइन माइनस है तो फिर सीधे सीधे ऐड करो, है ना। और अगर क्या होता है कि दोनों के साइन सेम आ रहे हैं तो फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब नीचे वालों के साइन चेंज होते हैं। तो बीटा से बीटा कट गया, अल्फा प्लस अल्फा हो गया 2 अल्फा, 24 प्लस 8 हो गया 32। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और मैं लिखूंगा,
फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हूज जीरोज आर नेगेटिव whose zeros are negative of the zeros whose zeros are negative of the zeros of the polynomial negative of the zeros of the polynomial px square plus qx plus r मुझे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताना जिसके जीरोस एक और दूसरा पॉलीनोमियल है गिवन, कि इसके जो जीरोस आएंगे ना उसके नेगेटिव होंगे, उसके नेगेटिव होंगे मतलब इसके जो जीरोस आएंगे उनको हमने क्या मान लिया अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, तो उनके जो नेगेटिव आएंगे मतलब मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 2 और 3 आ गई तो जो रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल है उसके जीरोस की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2 और माइनस 3, मतलब जो भी इसके जीरोस आएंगे ना इस वाले के उनके आगे बस उनका साइन बदल देना, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। तो आप ये लिखें जो गिवन पॉलीनोमियल है, मैं बिना बोले कर रहा हूँ, जिनको समझ में आ गया अपने आप करें।
चलिए जी, ये जिन्होंने कर लिया वो ठीक, जिन्होंने नहीं करा उनको मैं समझाता हूँ कि हमको जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो है टी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस आर। तो जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है ना उसको हमने जी एक्स मान लिया, ठीक है। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम जनरली एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, ऐसे माना जा सकता है। तो मैंने जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको मैंने जी एक्स मान लिया, तो जी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ये दे रखा है। तो इस पॉलिनोमियल के जो जो जीरोज हैं उनको मैंने मान लिया अल्फा और बीटा। तो आप ये देखिए, लेट इट जीरो बी अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये एक्स वाले का कोफिशियंट अपॉन एक्स स्क्वायर वाले का कोफिशियंट और साथ में नेगेटिव टर्म, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए बी और सी की जगह पर यहाँ पर पी क्यू और आर लिखा हुआ है, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी, माइनस क्यू अपॉन पी हो गया। उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो यहाँ पर हो जाएगा आर अपॉन पी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। उसके बाद देखिएगा उन्होंने बोला है कि आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, उस नए पॉलिनोमियल के जो जीरोज है ना वो इसके जो जीरोज आए हैं उनके नेगेटिव के बराबर होने चाहिए। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हेल्प से अल्फा अलग निकालूं और बीटा अलग निकालूं, मैंने सोचा इसी में कुछ लॉजिक लगा लेते हैं। कैसे, हमने इसके जीरोस को अल्फा और बीटा माना था, तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, जो नया पॉलिनोमियल मुझे बनाना है, उसके जीरोस क्या हो गए माइनस अल्फा और माइनस बीटा, ठीक है। तो मैंने अल्फा डैश को बोल दिया माइनस, अल्फा डैश मतलब उसका नया नए वाले का जो जीरो है उसको अल्फा डैश बोल दिया और बीटा डैश बोल दिया। तो अल्फा डैश होगा माइनस अल्फा के इक्वल और बीटा डैश होगा माइनस बीटा के इक्वल। अब हमें पॉलिनोमियल बनाना आता है, कैसे बनाते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब जीरोज नए पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है, अल्फा डैश और बीटा डैश, तो उन दोनों का सम अल्फा डैश प्लस बीटा डैश हो गया और प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, ये उनका प्रोडक्ट हो गया, समझ गए। उसके बाद अल्फा डैश की जगह मैंने रख दिया माइनस अल्फा, क्वेश्चन की कंडीशन है, और बीटा डैश की जगह मैंने रख दिया माइनस बीटा। सिमिलरली अल्फा डैश की जगह माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये तो प्लस का अल्फा बीटा ही हो गया। और फिर यहाँ पर ये माइनस अल्फा है और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस बीटा, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा है, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया, प्लस हो गया, इधर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस क्यू अपॉन पी, तो हमने यहाँ पर डाल दिया माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है आर अपॉन पी, इसको सीधा सीधा यहाँ पर डाल दिया, बताइए भाई क्लियर, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, अपूर्व, सोबेल, माही, आदित्य, आरुष, संस्कृति, सभी को क्लियर है, ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन और करवाऊंगा फिर मैं मैग्नेटिज्म करवा रहा हूँ स्टार्ट, हाँ केमिस्ट्री के डाउट्स मिले। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग करना एक बार ट्राई, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल का नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आपको इसमें क्या करना होगा कि x की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या देखना होता है कि कांस्टेंट टर्म जो स्क्वायर है, स्क्वायर वाला x स्क्वायर वाला टर्म, उसका जो कोफिशियंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी करेंगे, पहले ये जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है ना इसके आपको फैक्टर्स निकालने होंगे, फैक्टर्स कैसे करेंगे वो देखो। इधर वाला जो टर्म है ये 2a, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा 4, ठीक है। 5 को कैसे स्प्लिट करूं कि एडिशन या सबट्रैक्शन 5 आ जाए, 4 + 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रफ में कर रहा हूं इस चीज को मैं,
इसको रफ करिए, ये हो गया टू ए स्क्वायर प्लस ये जो फाइव ए बी है इसको क्या लिखेंगे, फोर ए बी प्लस वन ए बी प्लस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो जरा देखना पहला और दूसरा जो है ये टर्म इसमें क्या कॉमन आ सकता है, टू ए। तो इधर एक तो ए बचेगा और इधर क्या बच जाएगा, टू बी, ए प्लस टू बी हो गया, सही है। उसके बाद जो ये दोनों है इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, वन बी, यानी कि बी। तो बी कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा, ए, और उधर क्या बचा, टू बी। ए हो गया ए प्लस टू बी इंटू टू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये इज इक्वल टू जीरो तो मैं फालतू में कर रहा हूँ, है ना, अभी वो इसके फैक्टर्स कर रहे हैं सिर्फ इस बारे में, इज इक्वल टू जीरो तो पूरी इक्वेशन। अच्छा फिर क्या है कि जो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, अभी तो मैंने इसके जो कांस्टेंट टर्म थी ये अभी तो मैंने इसके फैक्टर्स करे। कई बार ऐसा होता है कांस्टेंट टर्म भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी होती है, तो अब क्या है कि इसके फैक्टर्स हो गए ए प्लस टू बी और टू ए प्लस बी। अब जो इधर नंबर है नाइन, ये नाइन भी तो इधर मल्टीप्लाई होगा। अब वो जो नाइन मल्टीप्लाई होता है, जो नाइन मल्टीप्लाई होता है, तो जनरली आप ये देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जो ए और बी वाले आते हैं ना, उसमें या तो इधर फोर मिलेगा या नाइन मिलेगा या 16 मिलेगा। तो अगर जैसे 9 है तो 9 को स्प्लिट कर देते हैं 3 इंटू 3, 4 को स्प्लिट कर देते हैं 2 इंटू 2, 16 को 4 इंटू 4 ऐसे स्प्लिट कर देते हैं। तो हमारे पास जैसे a प्लस टू बी आ गया, a प्लस टू बी इंटू टू ए प्लस बी, तो ये इसके फैक्टर्स आए हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने रफ में कराया, अभी फेयर में क्या करना है मैं देखिए। अगला स्टेप 9x² माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, और ये जो है इसके फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया, तो ये हो जाएगा ए प्लस टू बी इंटू टू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये पूरा ऐसे लिखने की बजाय इसको ऐसे लिखना। फिर हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो इधर कॉन्स्टेंट वाले टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो मल्टीप्लाई ही किस तरह से होगा कि इसके साथ जाएगा 3 और एक 3 चला जाएगा इसके साथ, मतलब ये ऐसे हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस टू बी एक टर्म और 3 इंटू टू ए प्लस बी दूसरा टर्म, इस तरह से। फिर इसके बाद हमको ना अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने होंगे, ये ऐड करके देखेंगे, प्लस प्लस करके देखेंगे, प्लस माइनस करके देखेंगे, माइनस माइनस और माइनस प्लस। अब देखो यहाँ प्लस है लेकिन इधर जो है रिजल्ट वो माइनस में आ रहा है, प्रोडक्ट जो है वो प्लस में आ रहा है, इधर रिजल्ट माइनस में आ रहा है, यानी कि दोनों जो है वो माइनस माइनस के होने चाहिए। मतलब मुझे इसकी मिडटर्म स्प्लिटिंग करनी है, मुझे इसकी मिडटर्म स्प्लिटिंग करनी है। वैसे आपकी मर्जी है, वैसे आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करके देख सकते हो। भाई देखिए ये जो बीच वाला टर्म है इसकी स्प्लिटिंग करनी है, इसकी स्प्लिटिंग कुछ ऐसी हो कि उन टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो इसके बराबर आ जाए और मल्टीप्लीकेशन वो इसके बराबर आ जाए। तो ये 9 क्या है, पॉजिटिव, ए प्लस टू बी इंटू टू ए प्लस बी, इसके आगे भी इधर पॉजिटिव भी लग रहा है, तो पॉजिटिव टर्म है। इसका मतलब इन दोनों में ये वाला जो टर्म है इस ये नेगेटिव कैसे आएगा, ये नेगेटिव ऐसे आएगा कि भाई इन दोनों को ही आपको नेगेटिव नेगेटिव लेना है जो भी आप स्प्लिट करेंगे। अगर नहीं समझ में आई है मेरी बात तो छोड़ो, आप चार अलग अलग कॉम्बिनेशन देख लेना, चार अलग अलग, एक प्लस प्लस, एक देखना प्लस माइनस, एक देखना माइनस प्लस, एक देखना माइनस माइनस। मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि माइनस माइनस ले रहा है कैसे, भाई माइनस इसके साथ ले गया, माइनस इसके साथ ले गया, माइनस 3a माइनस 6b माइनस 6a और माइनस 3b, सही है, ठीक। तो हमने दोनों के साथ में माइनस माइनस ले लिया, तो माइनस 3a माइनस 6a क्या आ जाएगा, माइनस 9a और माइनस 6b माइनस 3b क्या हो जाएगा, माइनस का 9b। तो भाई यहाँ से माइनस 9 कॉमन ले लिया, आ गया माइनस का 9 इंटू ए प्लस बी, माइनस का 9 इंटू ए प्लस बी आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें यही करना है कि भाई आप प्लस प्लस कॉम्बिनेशन अगर ले लोगे तो 3a प्लस 6b, 6a प्लस 6a प्लस 3b ये आ जाएगा, उनको ऐड करोगे तो प्लस का 9 इंटू ए प्लस बी आएगा, वो नहीं चाहिए मुझे, समझ गया। तो ये हाँ जी बोलिए सर, अगर पहले वाले कोएफिशिएंट मतलब वैल्यू में एक ही जगह कोई ऑड नंबर दिया 7 या कुछ दिया तो हाँ पॉइंट ना दे। मैं बताता हूँ आपको, जब भी कभी आपके पास ये पहला वाला नंबर है ना, जैसे ये 9 है, तो ये आपको इस तरह से दिया ही नहीं जाएगा,
ये ज़्यादातर केसेस में ऐसा होगा कि 9 होगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि 6 दे दिया आपको, तो आप उसको ऐसे स्प्लिट करोगे 2 × 3, तो एक फैक्टर के साथ में 2 मल्टीप्लाईमेंट कर दोगे और एक के साथ में 3 करके देख लोगे। वो उतना कॉम्प्लिकेटेड वाला आज तक नहीं आया वैसे आपके यहाँ पेपर में ना, CBSE में वो कॉम्प्लिकेटेड वाला उतना आया नहीं। तो आप ये समझिए कि भाई जैसे 9 है तो 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ये जो फैक्टर्स हैं इनमें कोई बच्चा 2a+b पहले लिखेगा, a+2b को बाद में लिखेगा। तो ये जो 9 है, 9 स्प्लिट ओवर क्या होगा 3 × 3, तो चाहे 3 को फिर इससे मल्टीप्लाई करो या उससे मल्टीप्लाई करो, वो आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो इसलिए जो है आपके पास ऐसे ऐसे टेढ़े जो अल्फा टेढ़े जो डिजिट्स हैं वो नहीं है, ये 7 आ गया या 13 आ गया, ऐसा नहीं है। समझ गए मेरी बात? ये समझ में आ गया फैक्टर सिस्टम? बता दो भाई सभी बच्चे बता दो, क्लियर है विजय? ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हुए। इसके फैक्टर्स हुए बेटा -3 × a+2b, तो कैसे लिखेंगे 9x² - 3 × a+2b, और उसके बाहर x, x तो आएगा ना, -3 × 2a+b, इंटू x ये हो गया, और फिर ये जो है ये हो जाएगा a+2b (2a+b) is equal to 0। भाग लेना शुरू कर दिया, ध्यान दो, इस बार लापरवाही मत करो। कई बार होता है कि भाई हमारी इम्यूनिटी ठीक है, हमको लग रहा है कि हम 2-4 दिन में हो जाएंगे ठीक, लेकिन अगर पड़ गए बीमार तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम निकल जाएगा। मेरे साथ हो चुका है इसलिए बताओ, मैं जब खुद 10th में था, शायद मैंने पहले भी बताया था, मेरे को जॉन्डिस हो गया था और जनवरी में हो गया, बस वही लापरवाही। और दवाई लिए घंटे में ठीक हो गया, मैंने दवाई लिए घंटे में ठीक हो गया जॉन्डिस नहीं। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है, उसकी ना दवा नहीं होती कुछ, उसमें ये है कि रेस्ट करना है और लिक्विड डाइट पर आपको रहना है। और कितने दिन में ठीक होगा, किसी बच्चे का 10-12 दिन में हो जाता है, किसी का महीने में, एक महीने में। जॉन्डिस में वीकनेस हो जाती है और आँखें, स्किन, नेल्स और ये सब कुछ, हाँ पीलिया पीलिया, मतलब सब कुछ येलो 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 येलो। मैंने वो 15-16 दिन में ठीक, मेरे को 21 जनवरी 2000 में, मैं सन 2000 में मैंने 10th करा है, 21 जनवरी 2000 को डायग्नोज हुआ। और वो डायग्नोज भी ऐसे हुआ कि 4-5 दिन से ना मम्मी मेरे को, मेरी मम्मी मेरे को पढ़ाती थी बैठकर, तो उनको ये आदत थी कि वो मुझे ना काम देकर जाती थी। 10th में भी स्कूल थी। हाँ वो आज भी चलती है, वो आज भी चलती है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी मदर्स कई बार कह देती है गला दिखा क्या कर रहा है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन मेरी मम्मी को पता था कि ये लापरवाही खुद कुछ करेगा नहीं, है ना, तो मैं लापरवाह था भी। और हर उस एज में ज़्यादातर बच्चे लापरवाह होते हैं, उन्हें नींद भी ज़्यादा आती है, तो क्या होता था कि वो मुझे काम देकर जाती थी। वो कहती थी कि SST में जैसे मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ा दिया या 2 पेज पढ़ा दिए, तो वो पढ़ाने के बाद मार्क कर देती थी कि आज ये तुझे लर्न करना और मैं इतने घंटे बाद तेरे से सुनूंगी। मैं कहता था अच्छा ठीक है। अब मैं उसको लर्न करने बैठा और वो थोड़ी देर में मेरे को झपकी आ गई, मैं सो गया, फिर चांटे से आँख खुली, फिर उसके बाद दोबारा फिर पढ़ने बैठा। तो ऐसी मैथ्स में देती थी होमवर्क के इतना करना है, फिर साइंस में दिया, हिंदी इंग्लिश ये सब वो पढ़ाती थी। तो अब क्या होता है कि लगभग 4-5 दिन ऐसे हो गए, 16 या 17 जनवरी से ऐसा होना शुरू हुआ कि वो देती थी और मैं पढ़ते पढ़ते मैं सो जाता था, और मेरे को कभी कमर में दर्द, कभी बॉडी में दर्द ऐसे होने लगा। तो फिर ना ऐसा हुआ कि चांटे लग जाते थे, 2-4 लग गए, लगने के बाद अच्छा अच्छा हाँ अभी कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैं रो पड़ा। तो वो कहते हैं रोता तो है नहीं, ये तो डेट है, फिर रोता तो है नहीं, चक्कर क्या है? मैं रो रो के कह रहा हूँ मैं मेरे से बैठा नहीं जा रहा। तो फिर चलिए जी, तो अब क्या हो गया, अब एक पड़ोस में अंकल रहते थे, तो मैं परेशान सा था और हमारा आंगन खराब हुआ था, उन्होंने देख लिया एकदम से। तो वो कह रहे इधर आइए इधर आइए, तो फिर देखा ना, तो फिर कहने लगे तेरी तो आगे इली हो रही है।
है ना, दिखाई तो दिखा दिखा नेल्स दिखा नेल्स दिखा, तो उन्होंने कहा कि उसको पीलिया हो रहा है, फिर डॉक्टर को दिखाया तो पीलिया। तो वो 26 फरवरी को मेरा पहला एग्ज़ाम था बोर्ड का, 26 फरवरी सन 2022 साल पुरानी बात है। तो तब जो है मम्मी पापा ने सबने देखा, क्योंकि मेरा केस बिगड़ गया था, मुझे फिर फीवर भी आने लगा था उसमें, और 5-6 दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इस बेचारे बालक को कुछ बीमारी भी हो सकती है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वो बिगड़ गया। तो बिगड़ने पर फिर मम्मी पापा ने भी सबने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अगले साल दे देना पेपर। तो वो जो 12 मतलब लगभग आप समझ लीजिए 21 जनवरी से और फिर 12 या 13 फरवरी तक मुझे लगने लगा कि हाँ मैं पढ़ तो सकता हूँ। तो मैंने कहा, फॉर्म वॉर्म भर चुके थे, तो पापा कह रहे बेटा क्या है तू फेल हो जाएगा छोड़। मैंने कहा कोशिश करके देख लेता हूँ, देखता हूँ कितना होगा, अगर नहीं आते नंबर अच्छे तो आप कह देना इसने पेपर नहीं दिए है ना, और अगले साल दोबारा दिए। मैंने कहा रिलेटिव्स में सबको पता तो चली गया कि पीलिया हो गया। तो तब मेरे दिमाग में इतनी अकल नहीं थी कि ये एक साल की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू करा, मैंने कहा पापा हो जाएगा, तो मेरे कर लेंगे, तेरे ऊपर प्रेशर कुछ नहीं है। तो एक पॉजिटिव साइड उसकी ये थी कि मेरे दिमाग पर से ना प्रेशर हट गया था, परफॉर्म करने का एक प्रेशर होता है ना कि भाई आपको परफॉर्म करना है, वो प्रेशर हट गया था। तो हालांकि मेरी मम्मी बड़े हिसाब से पढ़ाती थी मेरे को, तो उन्होंने मतलब हिसाब लगा रखा था कि 82-83% इसके बन जाएंगे, मेरी बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी तो उन्होंने ये हिसाब लगा रखा था। तो मेरे 76% रह गए, परसेंटेज अच्छी नहीं है। और इनफैक्ट सबसे बड़ी जो दिक्कत है, मैथ्स और साइंस मेरे फेवरेट रहे हैं सब्जेक्ट, उन्हीं में सबसे कम रह गए। तो ये जो है ना वो सारी चीज़ ये है कि आपने वो जब 21 जनवरी से और 12-13 फरवरी तक का जो टाइम ख़राब हुआ उसमें, क्योंकि मैथ्स में आपको बैठना पड़ेगा और बैठते थे कमर में दर्द होता था। तो इस ये सारी जो कहानी है ये ऐसे ही टाइम पास करने के लिए भी बता दूँ, वही क्रूशियल टाइम आपका चल रहा है। तो अगर किसी की जरा सी भी तबीयत ख़राब हो तो भाई उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लो। अगर हल्की फुल्की ठंड लग रही है भाई कोई ये नहीं कहेगा कि आप कमज़ोर हो गया, बुढ़ा हो गया, स्वेटर पहन के आ गया, स्वेटर पहनो, कैप पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें कोई, अरे मैं खुद ये गर्म शर्ट पहने घूम रहा हूँ है ना, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं भी अपना ध्यान रखूँगा भाई, हर साल बोर्ड के पेपर में मैं भी अपना एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि तबीयत ख़राब ना हो, गले में प्रॉब्लम हो, गुनगुना पानी पीऊँ, लेकिन ये याद रखना कि टाइम वापस नहीं आएगा। और फिर एक साल, दो साल, तीन साल या 10 साल बाद भी आप किसी को कहानी सुनाओ ना मेरी तरह मैं बीमार पड़ गया था, तो कहेंगे बहाने यार छोड़ना छोड़। जो रेस में हार जाता है वो ये कह देता है कि आप पैर में मोच आ गई थी, नहीं तो मुझसे बड़ा तो मिलकर कोई पैदा ही नहीं हुआ है ना। तो ये सब बहानेबाजी होती है, बाद में बहाने ही होते हैं कुल मिलाकर। तो मेरी तो सच्ची कहानी है मैंने बताई, लेकिन फिर भी अगर हम कहीं पर भी अपनी मार्कशीट दिखाएंगे तो फिर है ना कि 80% वाला अगर बच्चा है तो वहाँ कहीं मान लीजिए आप UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर ये सब सारे के सारे क्राइटेरिया मैच कर गए, लेकिन एक 80% है आपके 76% है ना, तो ठीक है ना, 4% से निकल गया ना आगे, सीट एक ही थी तो बन गया ना IAS ऑफिसर वही। तो ये होती है प्रॉब्लम। तो इस वजह से ना ध्यान रखना कि मतलब ये पूरे ना अकेडमिक ग्राफ को ख़राब कर देती है छोटी छोटी लापरवाही। चलिए आगे चलता हूँ, अब इसको भूल बन जाना, इस बात को, इस बात को भूल बन जाना, मतलब 5 मिनट लगेंगे बस भाप ले लो, 2-3 दिन भाप ले लो, ये लगा हो जाएगा। मेरे बाप तो अच्छे नहीं है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी हंसी मजाक बर्दाश्त कर लेता हूँ, इसकी हंसी मजाक बर्दाश्त कर लेता हूँ, क्योंकि कैलिबर है कर सकते हो परफॉर्म, इस वजह से कह रहा हूँ। तो परफॉर्मर्स जो हैं उनके साथ दिक्कत ना हो जाए, जो लापरवाह है उनका तो पता है मेरे को कि इन्हें कुछ करना ही नहीं है, कितना भी बोल दो, जैसे ये बैठा बाजू में। तो इसलिए बाल बना रख गया, देखो बाल कट गया साइड से, चलिए नहीं एक्स स्क्वायर। अच्छा अब इसमें क्या कॉमन आ सकता है, देखिए सिर्फ एक्स ही आ सकता है, एक्स और 3x ले लिए कॉमन, इधर आ गया 3x माइनस ए प्लस 2b, फिर इधर 2a+b है और 2a+b, बस ये कॉमन आ सकता है और कुछ नहीं, लेकिन साथ में माइनस भी ले लेना कॉमन, क्योंकि पहला टर्म मेरे को प्लस का 3x चाहिए, तो माइनस भी निकालो और 2a+b भी निकालो।
तो 3x माइनस ए प्लस टू भी और 3x माइनस ए प्लस टू भी इधर मिल गया ना। x की वैल्यू आ गई a प्लस टू बी अपॉन थ्री, टू ए प्लस बी अपॉन थ्री। ठीक है, तो ये x की दो वैल्यूज आ गई, ये फाइनली इसका आंसर है। ठीक है जी, इसके बाद जरा देखते हैं, अब तुम्हारे डाउट्स देख लेते हैं। समझ में आ गया ना सभी बच्चों को? यस सर। जो ये आपको कहानी सुनाई है ना, सारे बच्चे सीरियसली लेना इस बात को, क्योंकि बीमार कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है ना, सारे बच्चे सीरियसली लेना, इस टाइम का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन है, मैं ना ग्रुप पर भेज रहा हूँ, अगर आप हैं सभी के पास मोबाइल है। कुछ चेहरे से कुछ मैं रीड कर पा रहा हूँ क्या सर? छीना गया वो तो पहले वो ऐसे उदास मन से उसने ऐसे करा, मुझे लगा मैंने कहा छीना गया लगता मोबाइल वो टीचर की वजह से। छीना नहीं गया सर, मेरा तो फोन टूट गया। चलिए एक क्वेश्चन मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन जो है बड़ा है और 2018 का क्वेश्चन है, 2018 पे आया है। अ कंपाउंड एक्स, सुनो भाई ध्यान से, अ कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन गिव्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाई। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा, या तो एल्कीन या फिर एल्काइन। ठीक है, अच्छा तो एक कंपाउंड एक्स है पक्का, ये कार्बन कार्बोनेट कंपाउंड का ही है ना सर? आपने बेटा ना उसी से निकाली है। एक कंपाउंड एक्स का रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अच्छा और सुनो भाई, यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा वाई और वाई क्या है, अनसैचुरेटेड। तो अब ये बोल रहे हैं द कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाई। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में कहीं कोई ऐसा रिएक्शन देखा है क्या H2SO4 के साथ में रिएक्शन हो रहा हो किसी कार्बन के कंपाउंड का? बताओ जरा सोचो, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड तो हमने दो ही देखे हैं ना, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, क्या दो ही देखे? ठीक है, तो एक काम करते हैं कि जब यहाँ पर ये जो H2SO4 है, H2SO4 का हमने एक कंडीशन जरूर देखी है। कैटलिस्ट की तरह ऐड करता है H2SO4, एक रिएक्शन ऐसा है। ठीक है, डिहाइड्रेशन वाला। जी बिल्कुल सही, डिहाइड्रेशन। सर ये x इथेनॉल होगा और y इथेन। सुन लो जरा, पहले पूरा पढ़ लेने दो। x आल्सो रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। X जो कंपाउंड है वो सोडियम के साथ भी रिएक्ट करता है और सोडियम के साथ रिएक्ट करके
when sodium metal to evolve a colorless gas Z. Identify the enzyme Z, write the equation of the chemical reaction for the formation of Y, and also write the role of sulfuric acid in the reaction. तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड का जो रोल है, सल्फ्यूरिक एसिड का रोल तो हमारे पास सीधा सीधा कैटलिस्ट, और ये जो एक्स है हम ये जानते हैं कि एसिड को तो एसिड नहीं चाहिए होगा उसको और रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, तो हमारे पास दो ही चीजें थी, या तो इथेनॉल या फिर इथेनोइक एसिड, तो इथेनॉल, ठीक है ना, क्योंकि एसिड एक तो इथेनॉल की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है और एक इथेनॉइक एसिड की, तो एसिड को तो एसिड के साथ वो नहीं करवाएंगे ना, कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करेगा, तो इथेनॉल ही होगा। इथेनॉल क्या हो गया, C2H5OH। अब क्या हुआ, ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है जब कैटलिस्ट की तरह वो काम करता है तो क्या काम करता है, वो इसमें से पानी खींच कर निकाल लेता है ना, पानी किस तरह से निकालेगा वो देखिएगा, ये C2H5OH को C2H5OH ना लिख कर ऐसे लिखूंगा CH2OH, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि ये जो OH है OH निकल जाएगा, और ये जो H3 है CH3, इसमें से एक H निकलेगा, इसमें से एक H निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, तभी तो ये एल्कीन बना, एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड बना, ठीक है, और H और OH ये दोनों जुड़ गए तो ये क्या बन गया, HOH यानी कि H2, ये वाटर बन गया। क्या हो गया, अब आ गया समझ में, तो ये समझाने का अच्छा था नहीं है। चलिए CH3CH2OH आप ये देखिएगा कि ये इथेनॉल में, इथेनॉल का एक रिएक्शन दे रखा है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, ये इथेनॉल यहाँ पर बना दिया और यहाँ एरो लगाकर और इसको इसके ऊपर हम लिख देते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है वो कैसे काम करता है, यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह, और वो क्या करेगा, वो एक तो OH निकाल देगा इसमें से, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ना, और एक निकाल देगा H, तो H और OH ये मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, तो H2O तो अलग हो गया, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैंने बोला है ना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो वो पूछ रहे थे कि X क्या है, तो X तो क्या हो गया, ये तो X हो गया, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये क्या हो गया, ये बाई हो गया, समझ गए हमने, ठीक। और क्या पूछा है इन्होंने, और इन्होंने पूछा है कि भैया आप जेड और बताइए, तो जेड जो है कलरलेस गैस वाला जो है वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि एक्स ऑल्सो रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू इवॉल्व अ कलरलेस गैस जेड, तो सोडियम मेटल वाला भी इनको पता है, देखिए ऐसा था CH3CH2OH, CH3CH2OH, ठीक है। जब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NaOH, ऐसी बताओ बताओ, अरे सोडियम मेटल दे रखा है आपको CH2OH रिएक्शन बताना, ये तो रिएक्शन बताया था जिसमें जो कैटायन है वो बाद में आता है, माइनस और गैस अगर निकलती है हाइड्रोजन, और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। बाकी के डाउट्स आपके कल देखता हूँ, आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, और कोई डाउट आया तो मुझसे पूछना, ठीक है ना। आप एक बार मेरी बात करो, जो ये सोडियम इथॉक्साइड, आप एक बार मेरी बात कर, कार्बन वाला चैप्टर जैसे मैं बता रहा हूँ आप इस तरह से ऑटोमेटिक से कर लें, और करने के बाद में आप जरूर देखना कि जो प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड में इसके बाहर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, प्री बोर्ड में परफॉर्म करना ज़रूरी है, वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है।